इस देश की जनता को इकट्ठा होना पड़ेगा, उनको ये समझना पड़ेगा कि यह लड़ाई बिल्कुल आर पार की तरह। आप क्यों चाहते हैं कि रेलवे ना रहे, आप क्यों चाहते हैं कि BSNL ना रहे? नौजवान अपने मुद्दे पे वोट करेंगे कि भाई सालों तैयारी करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, और परीक्षा में आज इतनी धांधली हो रही है, कोई ITI करके बैठा हुआ है, कोई इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ है, मतलब कि राष्ट्रीय संपत्तियां जो है, जो सरकारी संस्थान है, उसको बेच दिया जाए। जो ही उसको बेच देंगे तो जो निजी संस्थान है उसकी मोनोपोली स्थापित हो जाएगी, फिर जनता मजबूर है, आप हम तमाम लोग वही चीज इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं, जबकि इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जो सरकारी चीजों पर निर्भर करती है, जैसे सरकारी रेलवे, सरकारी BSNL, सरकारी अस्पताल एम्स। उनके सामने ये विकल्प ही ना रहे, उनको मजबूरी में प्राइवेट बैंक में ही जाना पड़े। किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है, अगर आपके पास सरकारी काम होता है तो इस बात की गारंटी होती है कि हमारा पूरा जीवन जो है अब इससे व्यवस्थित हो चुका है। वहाँ तो हायर एंड फायर वाला रूल चलता है, बिना जो है नोटिस का भी आपको निकाला जा सकता है, और सरकार भी उसी स्टाइल में काम कर रही है। ये देश के युवाओं को समझना पड़ेगा कि सरकारी संस्थान हमारे भविष्य को सुरक्षित रखते हैं। सरकारी संस्थान भी रहे, निजी संस्थान भी रहे, लेकिन सरकारी संस्थान को पूरी तरह से बेच करके निजी संस्थानों को खड़ा किया जाए, इसकी क्या जरूरत है? हम कहना ये चाहते हैं कि हम बैंक कर्मी हों या मजदूर हों या किसान हों या रेलवे में काम करते हों, हमारे पास भी वोट है। यह सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनाव से डरती है। इस देश की जनता को इकट्ठा होना पड़ेगा, उनको ये समझना पड़ेगा कि यह लड़ाई बिल्कुल आर पार की तरह। एक तरफ वो हैं जो देश का हित चाहते हैं, दूसरी तरफ वो हैं जो दोस्त का हित चाहते हैं। दोस्त का हित चाहने वालों को, देश का हित चाहने वालों को हराना पड़ेगा। सवाल ये है कि आप क्यों चाहते हैं कि एम्स ना रहे, आप क्यों चाहते हैं कि रेलवे ना रहे, आप क्यों चाहते हैं कि BSNL ना रहे? भाई BSNL था ना, जियो भी धन धना धन हो, लेकिन जियो धन धना धन हो और BSNL नहीं हो, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि मनमाने तरीके से लोगों से पैसा वसूल किया जाएगा। नौजवान अपने मुद्दे पे वोट करेंगे कि भाई सालों तैयारी करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, और परीक्षा में आज इतनी धांधली हो रही है, कोई ITI करके बैठा हुआ है, कोई इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ है, कोई UPSC की तैयारी कर रहा है, नौकरी ही नहीं मिल रही है, और नौकरी मिल रही है तो जीवन में बाकी कुछ नहीं हो रहा है।